तो फ्रेंड्स, वेलकम टू पवन बाग एकेडमी। पिछले कुछ वीडियोस में हमने स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बात की थी, या फिर डॉट प्रोडक्ट बोल सकते हो आप। इस वीडियो में हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे। उससे पहले देखते हैं दोस्तों, वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है। कोई भी दो वेक्टर्स हैं दोस्तों, एक वेक्टर ए है और दूसरा है वेक्टर बी। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट बोला जाता है, और ये क्रॉस से दिखाया जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोला जाता है इसको। ओके, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटीज का अगर प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी आता है तो उस प्रोडक्ट को बोला जाता है दोस्तों वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए दोस्तों, पोजिशन वेक्टर और फोर्स, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है टॉर्क। टॉर्क टाउ लेटर से दिखाया जाता है। टॉर्क जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है दोस्तों। तो यहाँ पे दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट आपको वेक्टर मिल रहा है, तो यहाँ पे आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट से दिखाओगे। ठीक है, तो ये तो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, सिर्फ इसका एग्जाम्पल, क्रॉस प्रोडक्ट का ये एग्जाम्पल है, ऐसे आप इसको ध्यान में रखिए। तो एक क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाउ टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स। कि कोई भी दो वेक्टर्स आपको दिए गए हैं, इसकी मैग्नीट्यूड दी गई है दोस्तों, वेक्टर पी की मैग्नीट्यूड दी गई है आपको, वेक्टर क्यू की मैग्नीट्यूड दी गई है, और आपको क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं दोस्तों, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू एक वेक्टर क्वांटिटी आती है यहाँ पे, जो हम वेक्टर आर से दिखाते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? वेक्टर आर की मैग्नीट्यूड आप ऐसे बोल सकते हो, या फिर इसकी मैग्नीट्यूड, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू इसकी मैग्नीट्यूड, ये एक ही टर्म है। ठीक है, तो इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है दोस्तों, ये है पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड इंटू दूसरी वेक्टर की मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन देम। जैसे डॉट प्रोडक्ट में हम पी क्यू कॉस थीटा लिखते थे, क्रॉस प्रोडक्ट में लिखना है आपको यहाँ पे पी क्यू साइन थीटा। कॉस की जगह सिर्फ आपको यहाँ पे साइन लिखना है। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों मैग्नीट्यूड। और जैसे कि ये वेक्टर आर एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको डायरेक्शन भी होगी ना। पिछली बार जो हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत थी, क्योंकि ये प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी आता था। यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी आती है, इसकी वजह से मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी होगी। तो ये आर की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों, राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो टू फाइंड डायरेक्शन राइट हैंड स्क्रू रूल इज यूज्ड। तो इसको कैसे यूज़ करना है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे वेक्टर पी और वेक्टर क्यू यहाँ पे इस प्लेन में है। सपोज ये है यहाँ पे वेक्टर पी, और इसी प्लेन में यहाँ पे है वेक्टर क्यू, और ये दोनों के बीच का यहाँ पे स्मॉलर एंगल है थीटा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो फाइंड आउट करने का तरीका हमें मालूम है, पी क्यू इंटू साइन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन देम, ये हमें मिल जाएगी इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड। लेकिन डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें राइट हैंड स्क्रू रूल यूज़ करना पड़ेगा। तो ये राइट हैंड स्क्रू रूल है क्या? तो जिस प्लेन में ये दो वेक्टर्स हैं ना दोस्तों, इसको परपेंडिकुलर आपको यहाँ पे एक स्क्रू लेना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रू कैसे होता है देखिए, ये कुछ इस तरीके का दिखता है स्क्रू, आपको पता है, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, यहाँ पे थ्रेड्स होते हैं, तो
ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपको ये जो स्क्रू है इसको ऐसे रोटेट करना होगा फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर। तो अगर आप यहाँ से P से Q इसको रोटेट करोगे तो इसका टिप जो है वो बाहर आएगा कि अंदर जाएगा। तो अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाओगे तो इसका टिप बाहर आएगा। तो ये होगी दोस्तों इस R की डायरेक्शन, ठीक है। तो R की डायरेक्शन इस केस में क्या होगी, ये होगी इस डायरेक्शन में। ये होगा दोस्तों रिजल्टेंट वेक्टर। इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट इस प्लेन को परपेंडिकुलर होगा। और राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल भी यूज़ कर सकते हो आप, उसको यूज़ करके हमने ये निकाला, ठीक है। तो ये तो बात की हमने दोस्तों यहाँ पे वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q। तो अगर वेक्टर Q क्रॉस वेक्टर P निकालना हो तो कैसे निकालोगे, देखेंगे नीचे। यहाँ पे हम वेक्टर Q क्रॉस वेक्टर P निकालना है, ठीक है। तो इसकी मैग्नीट्यूड तो सेम निकलेगी, सेम फॉर्मूले से क्या होगा, Q P इंटू साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। ये ऐसे फॉर्मूला निकलेगा इसका मैग्नीट्यूड का, ये मैग्नीट्यूड ऐसे निकलेगी इसकी। लेकिन डायरेक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर ऐसे रोटेट करना होगा। अब ये जो स्क्रू है इसको यहाँ पे रखेंगे हम, तो ये जो स्क्रू है दोस्तों इसको ऐसे घुमाना होगा आपको फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर। तो अगर आप ऐसे घुमाओगे इस स्क्रू को तो ये अंदर चला जाएगा, मतलब इसका टिप नीचे की तरफ चला जाएगा। तो यही डायरेक्शन होगी इसकी रिजल्टेंट की डायरेक्शन, जो डायरेक्शन होती है उसके टिप की रोटेट करते हुए वही डायरेक्शन होगी दोस्तों इसके रिजल्टेंट की डायरेक्शन। तो वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q मैग्नीट्यूड आपको यही मिलेगी दोनों केस में, लेकिन वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q डायरेक्शन ये मिलेगी और वेक्टर Q क्रॉस वेक्टर P आपको डायरेक्शन ये मिलने वाली है, ठीक है। तो ये आपके अभी नहीं समझ में आएगा, जब हम टॉर्क एंगुलर मोमेंटम एंगुलर वेलोसिटी देखेंगे तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आप सिर्फ आप ही यहाँ पे प्रॉपर्टीज ध्यान में रखिए, जो मैं बता रहा हूँ उतना आप ध्यान में रखिए। तो अब दोस्तों यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम। दोस्तों देखिए यहाँ पे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यहाँ पे वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q क्या होता था, ये रिजल्टेंट वेक्टर की ये डायरेक्शन होती थी, मैग्नीट्यूड ये होती थी। और वेक्टर Q क्रॉस वेक्टर P मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन बदल गई, ठीक है। तो डायरेक्शन बदल गई तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q इज इक्वल टू वेक्टर Q क्रॉस वेक्टर P। मैग्नीट्यूड तो सेम है दोनों की लेकिन डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन ऊपर है इसकी डायरेक्शन नीचे है, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते। तो वेक्टर प्रोडक्ट दोस्तों कम्यूटेटिव नहीं होता, ये हो गई इसकी पहली प्रॉपर्टी, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो आप। सो वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। देखते हैं दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है यहाँ पे, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे करता है, मतलब अगर वेक्टर ए क्रॉस ब्रैकेट में वेक्टर बी प्लस सी है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये ओबे करता है, तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको। ये हो गई इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक। अब देखते हैं दोस्तों इसके स्पेशल केसेस, मतलब ये जो है यहाँ पे देखिए वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q, इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम, पी क्यू साइन थीटा से निकालते हैं। तो अगर थीटा ज़ीरो होगा तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या आता है, थीटा 90 होगा तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या आता है, और थीटा 180 होगा तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या आता है, ये हम देखते हैं तीन केसेस इसके। तो सपोज दोस्तों वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q, इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम, पी क्यू साइन थीटा से निकालते हैं। तो केस वन क्या है दोस्तों, अगर थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो होगा
तो वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q, इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे आप? पी क्यू इंटू साइन थीटा, साइन थीटा तो जीरो है यहाँ पे, तो ये होगा साइन जीरो, साइन जीरो होता है दोस्तों जीरो, तो यहाँ पे क्या होगा? जीरो होगा। तो थीटा इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है कि ये दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में है। वेक्टर पी अगर इस डायरेक्शन में होगा तो वेक्टर क्यू भी उसी डायरेक्शन में है, तो ही आप बोल सकते हो कि इन दोनों के बीच एंगल जीरो है। तो अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन एक ही होगी तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। तो यहाँ से आप इम्पोर्टेंट एक चीज़ लिख सकते हो दोस्तों, आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा? ये दो यूनिट वेक्टर्स है जो एक ही डायरेक्शन में है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा दोस्तों? जीरो होगा। जे कैप क्रॉस जे कैप इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो एंड के कैप क्रॉस के कैप इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। ओके, अब देखते हैं दोस्तों दूसरी केस। इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, तो वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू की मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? पी क्यू साइन थीटा, तो साइन थीटा अगर 180 डिग्रीज है तो यहाँ पे 180 होगा, साइन 180 भी दोस्तों होता है जीरो, तो ये होगा जीरो। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज का मतलब क्या है? वेक्टर पी इस डायरेक्शन में है और वेक्टर क्यू इस डायरेक्शन में है, तो आप बोल सकते हो इन दोनों के बीच एंगल क्या होगा? यहाँ पे वेक्टर क्यू अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो इन दोनों के बीच एंगल क्या होगा दोस्तों? ये 180 डिग्रीज है। तो अगर दो वेक्टर्स के बीच एंगल 180 डिग्रीज हुआ तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। ये डायरेक्टली फॉर्मूले में आप यहाँ पे वैल्यूज डाल के निकाल सकते हो, ठीक है, ये ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं थर्ड केस, इम्पॉर्टेंट केस है दोस्तों। अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्रीज हुई तो वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू इसकी मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला है दोस्तों, पी क्यू साइन थीटा अगर 90 डिग्रीज होगा तो ये साइन 90, साइन 90 क्या होता है दोस्तों? ये 1 होता है, तो इसकी मैग्नीट्यूड आपको मिलेगी पी इंटू क्यू, ठीक है। तो अगर वेक्टर पी इस डायरेक्शन में है और वेक्टर क्यू इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्रीज है, तो उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका दोस्तों ये है। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है दोस्तों, वेक्टर आई और यूनिट वेक्टर आई आई कैप क्रॉस जे कैप ये होता है दोस्तों के कैप, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आई कैप है और ये है यहाँ पे जे कैप यूनिट वेक्टर, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? इन दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे, और फर्स्ट वेक्टर से सेकेंड वेक्टर पर स्क्रू रोटेट करने पर स्क्रू ऊपर आएगा, तो ये डायरेक्शन होगी दोस्तों के कैप की। ओके, तो वैसे दोस्तों जे कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा? जे कैप क्रॉस आई कैप, जे से आई घुमाने पर स्क्रू नीचे चला जाएगा, तो ये माइनस के कैप होगा, ठीक है, तो ये माइनस के कैप होगा। ओके, वैसे ही दोस्तों यहाँ से आप लिख सकते हो जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू आई कैप, तो आप के कैप क्रॉस जे कैप क्या लिखोगे? माइनस आई कैप, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। और एक चीज़, के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप, देयरफॉर आई कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा? माइनस जे कैप, ठीक है, तो रिमेंबर दिस। तो अगर दोस्तों वेक्टर पी की आपको यहाँ पे मैग्नीट्यूड दी गई हो, क्यू की मैग्नीट्यूड दी गई हो, तो वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू की वैल्यू आप ऐसे निकालते हो, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे दोस्तों वेक्टर पी आपको उसके कंपोनेंट के फॉर्म में दिया जाता है या आई जे के फॉर्म में दिया जाता है, और वेक्टर क्यू भी आई जे के फॉर्म में दिया जाता है, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या है?
तो एक फॉर्मूला डेवलप किया है दोस्तों मैथमेटिशियंस ने, वो फॉर्मूला क्या है देखते हैं हम। तो इसको लिखा जाता है डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। डिटर्मिनेंट आप मैथ्स में पढ़ोगे, लेकिन अभी आपने नहीं पढ़ा है तो मैं बताता हूँ डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दो वर्टिकल लाइंस के बीच यहाँ पे तीन कॉलम और तीन रोज लिखे जाते हैं। तो पहले रो में आपको लिखना है यहाँ पे आई जे के, आई कैप, जे कैप और के कैप। दूसरा रो जो है वहाँ पे आपको इसके एक एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट लिखने हैं, मतलब पी एक्स, पी वाई, पी जेड। और तीसरा जो रो है वहाँ पे आपको ये वेक्टर क्यू के कॉम्पोनेंट लिखने हैं, एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट। तो यहाँ पे होगा क्यू एक्स, क्यू वाई और क्यू जेड। और इसको सॉल्व करना है। तो ये डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं, आपको यहाँ पे पहली टर्म लिखनी है आई कैप, और इसका कॉलम और इसका रो, इन एलिमेंट्स को आपको क्या करना है, निगलेक्ट करना है। मतलब ये एलिमेंट्स आप कंसिडर नहीं करने हैं। आई कैप लिया तो यहाँ पे देखिए ये जो चार टर्म्स रह गए हैं यहाँ पे, ये ब्रैकेट में इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब पी वाई क्यू जेड, और इसमें से ये माइनस करना है पी जेड क्यू वाई। फिर आपको लेना है यहाँ पे माइनस साइन, उसके बाद आपको यहाँ पे दूसरी टर्म लिखना है, दूसरा जे कैप लिखना है। तो यहाँ पे जे कैप लिखने के बाद ब्रैकेट में क्या होगा, अब आपको ये कंसिडर नहीं करना है, इसका कॉलम कंसिडर नहीं करना है, और उसका आपको यहाँ पे रो कंसिडर नहीं करना है। कौन कौन सी टर्म्स रह गई, पी एक्स क्यू जेड, पी जेड क्यू एक्स। तो यहाँ पे पी एक्स क्यू जेड का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, माइनस क्या होगा यहाँ पे क्यू एक्स पी जेड। अब यहाँ पे लेना है दोस्तों प्लस, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये मैथ्स में जब आप डिटर्मिनेंट पढ़ोगे तब आप सीख जाओगे ये। अब दोस्तों आपको लेनी है ये तीसरी टर्म के कैप, और ब्रैकेट में क्या करोगे आप, इस रो को आपको यहाँ पे निगलेक्ट करना है और इस कॉलम को निगलेक्ट करना है। बचे हुए जो चार टर्म्स हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है पी एक्स क्यू वाई, और इसमें से क्यू एक्स पी वाई, क्यू एक्स पी वाई माइनस करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक वेक्टर मिल जाएगा जो है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस। तो जब हम क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों तब आपके ये समझ में आएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, सो रीड करिए आपका जो एक्सरसाइज है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर थ्री और सब क्वेश्चन नंबर थ्री सॉल्व करने वाले हम यहाँ पे। तो रीड करिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। डिटरमाइन द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ, वेक्टर वी वन दिया गया है दोस्तों आपको यहाँ पे, टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस के कैप, एंड वेक्टर वी टू इज इक्वल टू आई कैप प्लस ट्वाइस जे कैप माइनस थ्री के कैप। तो इन दोनों के बीच का आपको वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे करते हैं, इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो वेक्टर वी वन क्रॉस वेक्टर वी टू, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे हम, इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम यहाँ पे देख चुके हैं। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे आई कैप, जे कैप और के कैप, उसके बाद आपको एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट लिखने हैं इसके फर्स्ट प्रोडक्ट फर्स्ट वेक्टर के। तो देखिए यहाँ पे एक्स कॉम्पोनेंट है दोस्तों टू, इसका वाई कॉम्पोनेंट है थ्री, और जेड कॉम्पोनेंट साइन भी आपको यहाँ पे कंसिडर करना है, इसका साइन है दोस्तों यहाँ पे माइनस वन। फिर उसके बाद आपको इसके एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट लिखने हैं। तो इसका एक्स कॉम्पोनेंट कितना है दोस्तों यहाँ पे वन, वाई कॉम्पोनेंट है टू, और जेड कॉम्पोनेंट माइनस थ्री। इसको सॉल्व करने का तरीका भी हमने देख चुके हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको ये टर्म कंसिडर करनी है आई कैप, ब्रैकेट में आपको क्या करना है ये निगलेक्ट करना है, थ्री इंटू थ्री, थ्री इंटू माइनस थ्री क्या होगा दोस्तों यहाँ पे माइनस नाइन होगा, ओके। माइनस टू इंटू माइनस वन, टू इंटू माइनस वन होता है दोस्तों माइनस टू, तो यहाँ पे ये होगा माइनस टू, ठीक है।
फिर आपको यहाँ पे क्या कंसिडर करना है, माइनस साइन कंसिडर करना है। माइनस मैं यहाँ पे ही लिख के लेता हूँ इसको, माइनस जे कैप इंटू ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या होगा, जे कैप आपने यहाँ पे निगलेक्ट किया तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये आपको निगलेक्ट करना है और ये आपको यहाँ पे निगलेक्ट करना है। तो किसका किसका मल्टीप्लीकेशन होगा, टू इंटू माइनस थ्री क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे माइनस सिक्स माइनस वन इंटू माइनस वन क्या होगा, माइनस वन, ब्रैकेट में माइनस वन लिखना है आपको। फिर आपको कंसिडर करना है दोस्तों ये टर्म, लेकिन इसको प्लस कंसिडर करना है, प्लस के कैप, ब्रैकेट में क्या होगा यहाँ पे दोस्तों, अब ये टर्म आपने कंसिडर किया है तो इसको निगलेक्ट करना है, तो ये क्या होगा टू इंटू टू फोर होगा, माइनस थ्री इंटू वन थ्री। तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे हम, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, आई कैप ब्रैकेट में क्या होगा यहाँ पे माइनस नाइन, ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस नाइन प्लस टू, माइनस नाइन प्लस टू होगा दोस्तों माइनस सेवन, तो ये मिल गया आपको माइनस सेवन आई कैप। यहाँ पे होगा ये माइनस, माइनस सिक्स माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस वन, माइनस सिक्स प्लस वन कितना होता है दोस्तों, ये माइनस फाइव, माइनस फाइव इंटू माइनस जे कैप, तो ये माइनस जे कैप इंटू माइनस फाइव ऐसे हम लिख के लेंगे पहले, फिर बाद में सिंप्लीफाई करेंगे उसको। ओके, प्लस के कैप इंटू फोर माइनस थ्री वन, तो ये होगा दोस्तों प्लस के कैप। तो अब इसको सिंप्लीफाई करता है करते हैं हम, यहाँ पे देखिए माइनस सेवन आई कैप होगा, ये माइनस सेवन आई कैप, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस फाइव जे कैप प्लस के कैप, ये होगा दोस्तों इसका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम किसी भी दो वेक्टर्स का जो i, j, k फॉर्म में दिए गए हैं उसका वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो अभी तो दोस्तों आप 11th में हो, तो आपको एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, ये अभी तक तो आपने पढ़ा नहीं है। तो जब आप पढ़ोगे तब आपके समझ में आएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, पोजिशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है दोस्तों एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो आर क्रॉस पी होता है एंगुलर मोमेंटम, मतलब आर का वेक्टर, आर का और वेक्टर पी का क्रॉस प्रोडक्ट होता है एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको थोड़ा सा सिंपल करके हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, तो एक क्वेश्चन क्या है देखिए, फाइंड आउट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आर, यहाँ पे फोर आई कैप, यहाँ पे गलती से आपके टेक्स्ट बुक में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, वहाँ पे प्लस कीजिए दोस्तों, पेज नंबर 25 के ऊपर ये एग्जांपल है, देखिए फोर आई कैप प्लस सिक्स जे कैप माइनस थ्री के कैप एंड वेक्टर पी इज इक्वल टू टू आई कैप प्लस फोर जे कैप माइनस फाइव के कैप। तो यहाँ पे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है दोस्तों, ये होता है एंगुलर मोमेंटम। तो आपका जो टेक्स्ट बुक में आपको क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपको यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करने को बोला गया है, ठीक है, लेकिन हमने उस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपल बनाया है, हमने सिर्फ इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करने को बोला है। ओके, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करने का तरीका क्या है दोस्तों, वेक्टर आर क्रॉस पी, इसको हम लिखते हैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते वक्त देखिए यहाँ पे ये होगा आई कैप, जे कैप और के कैप लिखना है आपको। यहाँ पे इसका एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट लिख के लेंगे हम, फोर सिक्स और ये होगा माइनस थ्री। उसके बाद इसके एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट यहाँ पे है टू, यहाँ पे है फोर और यहाँ पे है दोस्तों माइनस फाइव। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जैसे मैं हमने पिछले एग्जांपल में सॉल्व किया था, और इसका फाइनल आंसर क्रॉस चेक कीजिए आपके टेक्स्ट बुक से, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्रॉस प्रोडक्ट भी ख़त्म हो जाता है। अब हमें इसमें देखना है दोस्तों इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस। कैलकुलस क्या है, कैलकुलस में आप डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन पढ़ते हो, तो मैथमेटिक्स में ऑलरेडी आप पढ़ने वाले हो, लेकिन इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव का क्या यूज़ है, उसके क्या बेसिक फॉर्मूले हैं, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे हम सिर्फ, और हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।
धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को शेयर करिए।